गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं आपका विश्वजीत साहू आपके लिए एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपके लिए कुछ बात शेयर करने आया हूँ। गाइस, मेरा यूट्यूब पे चैनल खोलने का यही सिर्फ मकसद था कि यार मैं अपने स्टैमरिंग के जो जो मेरे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो चीज़ को मैं देख सकूँ। बट आपके प्यार के कारण ही आई थिंक मैं आज आपके सामने बहुत आसानी से फेस टू फेस बात कर पा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मैं अभी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का टॉपिक बहुत स्पेशली रहने वाला है, स्टैमरिंग के ऊपर ही आज का वीडियो पूरा रहेगा। तो एक पिछले वीडियो में मैंने जब एक वीडियो अपलोड की थी तो एक मेरे भाई ने कहा था कि यार मुझे वर्ड्स बोलने में इशू होता है कि वर्ड्स मैं अच्छे से नहीं बोल पाता। तो वर्ड्स के लिए मेरे पास आज 3-4 ऐसे स्पीच थेरेपी है, अगर आप वो यूज़ करते हो तो आई थिंक आपके आने वाले टाइम पे जो वर्ड्स का इशू होता है वो वर्ड्स का इशू बिल्कुल ही कम्फर्ट जोन से ख़त्म हो जाएगा। तो पहला ये आता है कि आपने वर्ड्स को, वर्ड्स हम जैसे बोलते हैं जैसे अ म च ए बी सी डी कुछ भी हो जाए वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हमने वर्ड्स का जो सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मुझे लुधियाना बोलने में इशू था तो इस ऐसे ही जो सेंटेंस हमने कैसे बोलना है आज इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने का ज़रूर, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही आपको इसमें इम्प्रूवमेंट के बारे में पता लगेगा। तो पहला एक्सरसाइज ये है कि हमारे जो वोकल कोड का एक्सरसाइज होता है कि हमने वर्ड्स को कैसे बोलना है, वो एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो में हम मैं बताता हूँ कि वोकल कोड से कैसे वर्ड्स को बाहर निकालना है। तो ऐसे आपको जोन से भी वर्ड में इशू है ना, आप वही वर्ड्स को मुंह से बाहर निकालते हुए ये वाले एक्सरसाइज मतलब कर सकते हो। इसके बाद आता है फाइव फिंगर। फाइव फिंगर बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसमें पहले 5 सेकंड का होता है वो वर्ड्स में बोलना होता है, फिर 4 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड। इसको बोलने के लिए ऐसे म म, इसको आप 20 बार म बोलते समय 5 सेकंड वाला जो एक्सरसाइज है 20 बार करिए, फिर 4 बार म म, फिर 3 बार म, फिर 2 बार म, फिर 1 बार म। ऐसे ही ये वाले एक्सरसाइज को आप अपने हिसाब से मतलब मेहनत के हिसाब से आप लोग करिए, ठीक है। इसके बाद आता है म के बाद हमने वर्ड्स जो हम बोलते हैं, जैसे मुझे ल में लुधियाना बोलने में इशू था तो मैं ऐसे बोलूँगा। तो इसके बाद कई हमने वर्ड्स को बोला होता, जैसे कि मैं अभी बोलने वाला हूँ लुधियाना, तो हमने इसको वर्ड को कैसे बोलना है, हमने देखना है कि हमने लुधियाना कैसे बोलना है। लुधियाना मतलब लू को पूरे 4 में ले लेना, लास्ट में जो 5वां होगा ना उसको ध्याना भी बोल देना, ठीक है। ऐसे ही आप अपने तौर पे चाहो तो कोई भी एक्सरसाइज में वर्ड्स बोल सकते हो, जैसे लुधियाना हो गया, लाजपत हो गया, कुछ भी वर्ड्स आप लीजिए उसको बोलिए आराम से। इसके बाद आते हैं कि वर्ड्स की मात्राएँ के साथ में बोलना। मात्राएँ ऐसी होती है कि जैसे के को को को, आप देख लेना जो हिंदी के मात्राएं होती हैं वो मात्राओं को आपने कंटिन्यू बोलते रहना है। इससे भी आपकी जो स्पीक में जो वर्ड्स की इशू होती है वो वर्ड्स का इशू मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये थे कुछ ऐसे टिप जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ। आई थिंक मेरी स्टैमरिंग के जो लाइफ में 3-4 मंथ थे वो इसके बाद और पहले और अब के जो स्पीच में मेरे बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो पा रही है इन्हीं वर्ड्स को एक्सरसाइज करने के साथ। अगर गाइस आप भी चाहते हो कि आपका भी जो स्पीच में इशू है जो आप स्पीक नहीं कर पाते स्टैमरिंग के कारण, लोगों के सामने बोल नहीं पाते, तो मैं यही कहना चाहूँगा अगर आपको थोड़ा बहुत स्टैमरिंग है तो आप लोगों के सामने जाइए, अपना फियर को ख़त्म करिए। जब तक आप अपने लोगों के सामने बात करते टाइम अपना फियर नहीं ख़त्म करोगे तब तक आपकी स्टैमरिंग ठीक नहीं होगी। तो गाइस मेरा यही मानना है कि अगर आपको स्पीक में ज़्यादा इशू है कि आप बिल्कुल भी मतलब ब्लॉकेज हो जाते हो तो
तो आप स्पीच थेरेपी लीजिए, अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत इशू है तो आप लोग आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और स्टैमिनिंग की जो जो वीडियोस है, एक्सरसाइज है, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, टंग एक्सरसाइज हो गया और ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया, उस चीज़ को देखिए और अपने आप में एप्लीमेंट करिए। तो अगर आप सबको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, जय।